हाय गाइस, क्या हाल चाल सभी बच्चों के। दोस्तों आज के वीडियो में अपन 11वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका एक महत्वपूर्ण वीडियो यहां पर दे रहे हैं, मेसोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन का एक प्रकार है जिसमें किसी कार्बनिक अणु में पाई इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन उनका ट्रांसफर होता है। तो मोस्ट वेलकम टू राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। यहां पर स्टार्ट करते हैं और टाइम बचाने के लिए मैंने डेफिनेशन लिख ली है आपका। मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, इसको हम कैसे समझते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या उपयोग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये सभी बातें हम इसको समझाने वाले हैं। इसको अनुनादी प्रभाव भी कहते हैं। तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। किसी असंतृप्त अणु, असंतृप्त मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, असंतृप्त अणु या संयुग्मित तंत्र, संयुग्मन क्या कहलाता है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कंडीशन होती है, डबल बॉन्ड होते हैं और कहीं सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये देखिए, इसको हम संयुग्मन पद्धति बोल सकते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल। जहां तक ये चलेगा वहां तक ये प्रभाव काम करेगा। किसी असंतृप्त अणु या संयुग्मन तंत्र में दो और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का ट्रांसफर होगा जिससे उच्च और निम्न घनत्व के केंद्र बन जाएंगे। इस घटना को मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाएंगे। देखिए इसी के एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कुछ भी नहीं, इतना सिंपल तरीके से देखिए। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है गाइस, डबल में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब यहां इस कार्बन की वैलेंस यहां ज्यादा हो जाएगी, मतलब दो यहां और दो यहां, चार और एक हाइड्रोजन, पांच हो जाएगी, अभी तो चार है। तो जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा उसी समय पर ये शिफ्ट होगा। तो इस मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज आने वाला है, CH2 यहां डबल था अब सिंगल बॉन्ड होगा, CH जहां सिंगल था गाइस वहां पे डबल बॉन्ड होगा, फिर CH जहां डबल था वहां सिंगल बॉन्ड होगा, लास्ट में CH2। अब इलेक्ट्रॉन के घनत्व बदल जाता है इसमें अणु के अंदर, कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाती है। जैसे कहां बढ़ गया डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस, इस कार्बन पर माइनस आ गया, और यहां कमी आ गई, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब गाइस दो तीन चीजें होती हैं। देखिए ये जो मैंने समझाया ये इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। अब हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। दो सिचुएशन हो सकती है। विनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल यहां मैंने ले लिया है। ये देखिए इसका नाम विनाइल क्लोराइड है, इसमें पाई बॉन्ड है और ये लोन पेयर है। अब पाई बॉन्ड और लोन पेयर में क्या फर्क होगा, ये संयुग्मन में है कि नहीं। क्लोरीन का लोन पेयर संयुग्मन में है। यहां पर देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर कंजुगेशन में रहेगा क्योंकि यहां जिस प्रकार से डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर। लेकिन हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एलाइल क्लोराइड है, ये हमारा एलाइल क्लोराइड गाइस, इसमें भी क्लोरीन पर लोन पेयर है लेकिन कंजुगेशन में है कि नहीं। देखिए पाई पाई बॉन्ड है यहां पर, ये पाई बॉन्ड है, आगे चलेंगे सिंगल फिर सिंगल, यहां पर कॉन्जुगेशन में नहीं है, संयुग्मन नहीं है यहां पर, यहां पर संयुग्मन है, इसमें संयुग्मन नहीं है, एलाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड है। अब इसकी विशेषताएं समझते हैं, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। होता क्या है जैसा मैंने बताया, इसको अपन कर्ल एरो से डिनोट करेंगे, मुड़ा हुआ तीर, जहां से तीर जाएगा वहां से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
जहां जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब अधिकता एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से जाएगा वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात। दूसरी बात, इसमें लोन पेयर भाग लेते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन, ये बात तो हम आपको बता चुके, लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सिग्मा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सिग्मा प्रेरणिक प्रभाव का काम करते हैं। ये कहां तक चलेगा? ये वहां तक चलेगा जहां तक संयुग्मन पद्धति चलेगी। यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल जहां तक ही चलते जाएगा, एकांतर क्रम बोलते अल्टरनेट ऑर्डर ऑफ सिंगल डबल, वहां तक प्रभाव काम करता जाएगा। जहां से जाएगा मैंने बताया वहां पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसमें और बात हम करते हैं, तो ये जो प्रभाव है ना मीजोमेरिक प्रभाव, अनुनाद उत्पन्न कर देता है, रेजोनेंस, इसीलिए मीजोमेरिक प्रभाव को रेजोनेंस प्रभाव बोल सकते हैं, अनुनादी प्रभाव बोल सकते हैं इसमें। इसके कारण बहुत सारे यौगिक की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है, किसी की क्रियाशीलता बढ़ जाती, किसी क्रियाशीलता घट जाती, कहीं इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता, कहीं इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाता है। यह एक स्थायी प्रभाव है। मीजोमेरिक प्रभाव, धनात्मक मीजोमेरिक प्रभाव फर्स्ट, तो पहले अपन धनात्मक की पहचान करते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, इसमें हम एक लाइन लिखेंगे, परमाणु से दूर की ओर इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होगा। देखो गाइस, परमाणु से दूर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम आपको सिखाते हैं विनाइल क्लोराइड का एक छोटा सा एग्जांपल, देखिए ये सिखा लिया यहां पे, देखिए इसमें हम सिखाते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, परमाणु से दूर, अवे फ्रॉम एटम, अवे फ्रॉम क्लोरीन एटम, यहां पे हमें सभी कह सकते हैं क्लोरीन से दूर जा रहा है, तो कहां जाएगा, यहां जाएगा, कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा गाइस, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर दो लोन पेयर आ जाएंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वापसी भी हो सकती है, वापसी भी हो जाएगा, लोन पेयर वापस आएगा फिर डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये जाएगा फिर धनावेश खत्म हो जाएगा। तो ये विनाइल क्लोराइड में मैंने पॉजिटिव इफेक्ट समझाया। अब हम कोई रिंग में चलते हैं, बेंजीन का रिंग, बेंजीन H6, यहां पर एकांतर क्रम रहता है बेंजीन की रिंग के अंदर ही, देखिए, और मैंने ले लिया है फिनोल, 12th क्लास में फिनोल का एग्जाम्पल, ऐसे 12th क्लास के क्वेश्चन है, फिनोल अम्लीय होता है, एल्कोहल उदासीन, उसमें भी मीजोमेरिक इफेक्ट काम करता है, हर जगह रेजोनेंस आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो प्लस एम इफेक्ट अब हम समझाएंगे, तो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, यहां पे 5 स्ट्रक्चर मैंने बना दिए हैं। ये मैंने 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं, इनमें अपन को एम प्रभाव कैसे समझाएंगे हम इसको देखिए ध्यान से, और किस प्रकार से क्लियर करना है ये बात है। तो गाइस देखिए, इसमें बेंजीन के 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और OH के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि मीजोमेरिक प्रभाव में भाग ले रहे हैं। अपन पहले इसमें डबल हेड एरो लगा देते हैं, आपको कैसे संरचना समझना है गाइस, एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है, सभी स्ट्रक्चर को एक साथ मत देखिएगा, एक से दूसरा कैसे बन रहा है, दूसरे से तीसरा कैसे बन रहा है, मतलब दो को कंपेयर करके आपको स्ट्रक्चर बनाना है, और पेपर पेन के पर यदि आप बना के देखेंगे तो बात बन जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, सिंगल है, डबल है, संयुग्मन पद्धति है बिल्कुल श्योर, फिनोल का मॉलिक्यूल अब आपके सामने, ये देखिए यहां पर जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए, देख डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया है,
एक बॉन्ड छोड़ दिया है। अच्छा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन लग गया है, और एक पेयर अभी उस पर मौजूद है, लोन पेयर। रिंग के अंदर चलते ही क्या कंडीशन है, अब इस कार्बन की वैलेंसी तो चार से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा गाइस, जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, उसी समय ये निकल के आएगा। तो यहां क्या स्थिति बनेगी, कौन सा चार्ज आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये देखिए, ये दो बॉन्ड पहले से थे, ये बॉन्ड पहले से था, तो मैंने इसको बना दिया है। अब ये हमारी पहली संरचना तैयार, ये हमारी दूसरी संरचना तैयार। आपको दो संरचनाएं क्लियर हुई, दो स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, तो तीसरा शुरू करते हैं इसके बाद, थर्ड। मतलब अब आपको दूसरा और तीसरा देखना है और फिर बना के देखना है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है गाइस, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये कहां आएगा, ये यहीं आएगा साइड में, तो फिर ये इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। गाइस कैसे ज्यादा वैलेंसी हो रही है इसकी, मैं काउंट करके बताऊं, दो इलेक्ट्रॉन इसमें है पाई बॉन्ड में, दो इसमें चार, दो इसमें छह, और एक एच लगा है छुपा हुआ हाइड्रोजन, तो आठ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज है, यहां पे ज्यादा हो जाएगा, दस हो जाएगी फिर। तो जैसे ये आएगा उसी समय ये निकल के इस पोजीशन पे आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है आर्थो पोजीशन पर, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। बाकी बॉन्ड ये था लगा दिया, ये नेगेटिव चार्ज के रूप में बॉन्ड लगा दे रही है, लगा दिया मैंने, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, ये तो पिछली वाली आप कर दीजिए, पूरी कॉपी कर दीजिए, लोन पेयर एक है, पॉजिटिव चार्ज एक है। अब तीसरी स्ट्रक्चर से चौथी स्ट्रक्चर में आती है, नेगेटिव चार्ज को साइड में शिफ्ट कर देना है यहां पर, लेकिन इसमें एक है कि ये वाला बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा, तो ये निकाल के इस कोने पे लाइए, मतलब इस आर्थ पोजीशन को, तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और बाकी बॉन्ड, यहां का बॉन्ड निकल गया तो नहीं लगा सकते आप, मगर ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बन गया तो यहां पे लगाएंगे, यहां पहले से लगा है, यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीजन पहले से लगा है, ये देखिए पूरा काम मैंने वही पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर कर दिया है। आगे बढ़ जाए इसके, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसके आगे बढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर अब वापस यहां पे आएगा इस जगह पर, तो ये वापस टूट के जहां से आया था वहीं वापस हो जाएगा। तो यहां पे सिचुएशन क्या बनेगी, एक बॉन्ड पहले से था, ये तो पिछला बॉन्ड देख के लगा सकते आप, और यहां पे बॉन्ड आ चुका है, यहां कितने हो गए सिंगल, और यहां पे ऑक्सीजन पे अब कितने पेयर है, दो लोन पेयर है जो उसके खुद के थे, और पॉजिटिव चार्ज इस पर अब नहीं आएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, पांचवा। ये समझा रहे थे हम मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव प्लस एम इफेक्ट, एक्चुअली प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं ना लोन पेयर, इसमें क्लोरीन से दूर जा रहे थे, इसमें ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं। तो गाइस एरोमेटिक जो बेनिन का रिंग है उसमें जो डायरेक्ट परमाणु जुड़ा है इसको पुंजी परमाणु भी बोलते हैं, की एटम, की एटम पर लोन पेयर होते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट दर्शाता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट दर्शाता है। माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट, अब हम आपको सिखाएंगे कि पॉजिटिव में एटम से दूर जा रहा था, अवे फ्रॉम एटम, चाहे वो क्लोरीन से जा रहा हो चाहे वो ऑक्सीजन से जा रहा हो, और यहां पे देखिए आप परमाणु की ओर, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होना मेसोमेरिक प्रभाव है, सीधी बात, सरल सिंपल वर्ड में यही कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब परमाणु की ओर आएंगे, कहां की ओर आएंगे, एटम की ओर, टुवार्ड एटम, अब दूर नहीं आएंगे, अब एटम की ओर आएंगे। तो इसके लिए हम दोनों एग्जाम्पल देंगे आपको, सबसे पहले ये हमने एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, इसमें देखिए एकांतर क्रम पहचानो पहले, तो डबल सिंगल डबल, हालांकि ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं मगर वो अभी संयुग्मन में नहीं है गाइस, मैंने संयुग्मन का एग्जाम्पल यहां दिया था, डबल सिंगल लोन पेयर, ये संयुग्मन में है विनाइल क्लोराइड का,
एलाइल क्लोराइड का संयुग्मन में नहीं है क्योंकि दो लगातार सिंगल बॉन्ड आ गए, तो ये कंडीशन आपको सीखना है। ये लोन पेयर संयुग्मन में नहीं है, अदरवाइज प्लस एम डिनोट करता क्योंकि डबल सिंगल डबल। तो क्या यहां पे सिचुएशन बनने वाली है, यहां से ये ट्रांसफर होगा, यहां से ये ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन की ओर। देखिए गाइस माइनस, अभी ऑक्सीजन से दूर जा रहे थे यहां पे, अब ऑक्सीजन की ओर आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की ओर आएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखते जाइए। सी एच टू यहां डबल था अब सिंगल होगा, सी एच यहां सिंगल था अब डबल होगा, सी एच यहां डबल था सिंगल होगा। इस पे ऑलवेज दो लोन पेयर थे, एक माइनस चार्ज आ, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। वापसी भी हो सकती है, ऐसा मैंने बताया, वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कहां जाएगा, यहीं पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, वापस वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब हम चलते हैं आपको, अब सिखाते हैं हम नाइट्रोबेंजीन, मतलब एरोमेटिक की बात करते हैं। नाइट्रोबेंजीन में मॉलिक्यूल होगा और नाइट्रोबेंजीन के जो तीन पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो तीन पाई, डबल सिंगल पूरी रिंग में चल रहा है, यहां फिर सिंगल आ गया, देखिए ये सिंगल आ गया, सिंगल आ गया और फिर डबल आ गया, देखिए। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां संयुग्मन में नहीं है बल्कि ये पाई बॉन्ड संयुग्मन में है। अब यहां पे हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं, नाइट्रोबेंजीन के अंदर पांच स्ट्रक्चर बनाएंगे, एकदम परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगी। आपको पहले पांच खाली रिंग बना लेना है, ओके गाइस, पांच खाली रिंग बनाने के बाद फिर शुरू करना है काम, और आपको कंजुगेशन सिस्टम सीख लेना है, संयुग्मन पद्धति, एक डबल एक सिंगल, डबल नहीं है तो लोन पेयर चलेगा, ये काम पहला काम हो गया। दूसरा काम इसमें ये कर लीजिए, डबल हेड एडर लगा देंगे, हो गया। अब शुरू करते पर पहली स्ट्रक्चर और दूसरी देखना है आपको, जैसे वहां पर ऊपर किया था अपन ने। इसमें गाइस क्या होने वाला है, ये एक्चुअली ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच ली इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन की ओर आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस बार रिंग से बाहर निकल के आएंगे ना, तो ये निकल के यहां आ जाएगा इस बार। अब इसके बाद इस दूसरा स्ट्रक्चर बना है, ये बॉन्ड कहीं नहीं गया, लगा दिया है, ये बॉन्ड वही अपने स्थान पर है, ये बॉन्ड यहां कितना हो गया है गाइस, डबल नाइट्रोजन सिंगल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज आया, और यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। गाइस रिंग में डेंसिटी कम हो रही है जबकि यहां रिंग में डेंसिटी बढ़ रही थी, इसको सक्रियकारी समूह भी कहते हैं, बेसिक प्रभाव पड़ाएंगे जब हम आपको, अलग से वीडियो बनाएंगे उस पर। अब हम क्या करते हैं, अब रिंग में जहां पॉजिटिव चार्ज, गाइस पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, कितने इलेक्ट्रॉन इस पे है आप लोग हमें कमेंट्स करके भी लिख सकते हैं। इस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो चार, एक छुपा हुआ हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड है, छह, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तीसरा, अब तीसरा ऐसे बनेगा, ये वाला शिफ्ट यहां पे होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां बन जाएगा, देखो यहां डबल बॉन्ड की कंडीशन, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पोजीशन पर, देखिए यहां पर आ जाएगा, ये देखो, देखिए पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, यहां पे दो पेयर, इस रिंग से बनाना आया। अब हम आगे चलते चौथी पोजीशन पर, यहां पे क्या चेंज आएगा, देखिए ये वाला शिफ्ट होगा इस पोजीशन पर, यहां रिंग आएगी, यहां पहले से लगी थी, यहां पाई बॉन्ड आएगा, सॉरी पाई बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, देखिए यहां कितने बॉन्ड थे, दो लगे रहेंगे, यहां पर सिंगल, यहां पर ऑक्सीजन, देखो निगेटिव चार्ज है, लगा रहेगा। लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो रिंग से बाहर निकला था वो वापस आएगा, ये वापस आ गया, ये भी वापस आ गया, घर वापसी हो गई। तो यहां पे घर वापसी हो गई तो क्या कंडीशन, दो पाई पहले से लगे थे, पांचवा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चौथे से पांचवा कैसे बनाएंगे, यहां बॉन्ड नहीं आया, यहां बॉन्ड आएगा, ये डबल यहां शिफ्ट हो गया, यहां कितने बॉन्ड बचेगा, ये सिंगल, यहां भी डबल बॉन्ड हो चुका है, एरो का तो खैर पहले से कोई चेंज हुआ नहीं है, ये देखिए क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन।
ये माइनस इफेक्ट है, माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट। इसकी पहचान हम आपको बता देते हैं। रिंग में जो कुंजी परमाणु की एटम, रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट एटम है की एटम, कुंजी परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे गाइस, इसको कहेंगे माइनस एम प्रभाव दिखा रहा है। और प्लस एम में क्या होगा, कुंजी परमाणु पर लोन पेयर होना चाहिए, वन और मोर देन। और यहां कुंजी परमाणु अधिक ऋण विद्युती परमाणु से जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, क्योंकि यहां सिंगल है यहां डबल है, तो संयुग्मन पद्धति कंटिन्यू हो जाएगी। आया समझ में गाइस? अब इसके उपयोग देखते हैं। इसके जो मुख्य उपयोग है स्पेशली कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समझाने में होता है, कार्बोनियम की स्टेबिलिटी। जो कार्बोकेटाइन है वो स्थायी होगा कि नहीं, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समझाने में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, एसिड और बेस की आपेक्षिक प्रबलता समझाने में, एसिड में कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड है या बेस है कितना स्ट्रॉन्ग है, मीजोमेरिक इफेक्ट से क्लियर हो जाता है, मीजोमेरिक प्रभाव से आप समझा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, देशिक प्रभाव की व्याख्या करने में। अब देशिक प्रभाव होगा इस अलग से एक वीडियो देंगे आपको, देशिक प्रभाव की व्याख्या करने में दो प्रकार के देशिक प्रभाव होते हैं, अपन इसकी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, अभी ज्यादा डिटेल डीप में नहीं जा सकते। देशिक प्रभाव ये होता है कि ये कहलाता है आर्थो पैरा निर्देशक और ये कहलाता मेटा निर्देशक। आर्थो पैरा निर्देशक क्यों कहलाता है, क्योंकि आर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, तो इसको आर्थो पैरा निर्देशक भी कहते हैं। प्लस एम इफेक्ट में माइनस एम इफेक्ट, अब आर्थो पैरा पे तो उसने धनावेश कर दिया ना, धनावेश तो कमी है, तो इसको मेटा निर्देशक कहेंगे। क्यों कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक मेटा पोजिशन बैठे करेगा, मेटा पर डेंसिटी अभी बनी हुई है, तो इसको मेटा निर्देशक प्रभाव कहते हैं। तो यदि एम प्रभाव समझ में आया है गाइस, तो बहुत आशा है कि सभी वीडियो को सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर, और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास से आप नहीं कनेक्ट हैं तो बहुत जल्दी से, क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अपनी परेशानी बताने के लिए कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे जुड़ जाइए आप, और पूरी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी लीजिए। लगातार आपको हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, प्रॉमिस, और ये जो है सभी बच्चों के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर दीजिए। Thank you.